जी हाँ दोस्तों साथियों, आज की शाम लता जी और महान संगीतकार खयाम जी के नाम हम जानते हैं दोस्तों। खयाम साहब ने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए, लेकिन जब के साथ उनके निर्देशन में लता जी के गाए हुए गीतों की पसंदगी करना मैं चाहता हूं, तो पसंदगी तो बहुत होती है, लेकिन वो गीत गाने में थोड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। आफ्टर ऑल म्यूजिक इज गिवन बाय खयाम साहब। खयाम साहब जिसको न सिर्फ नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड भी एक से ज्यादा बार मिल चुका है, ऐसे हमारे खयाम साहब और लता जी के कुछ गीतों का आज का ये कार्यक्रम। सबसे पहला अभी जो म्यूजिक बज रहा है वही गीत, ए दिले नादान, आरजू क्या है जुस्तजू क्या है। फिल्म रजिया सुल्तान से ये नगमा लिया है धर्मेंद्र हेमा मालिनी, ऐसे कलाकार फिल्म रजिया सुल्तान में थे। गीत लिखा था जान निसार और संगीत से सवारा था आज के हमारे संगीतकार खयाम जी ने, और गाया था लता जी ने। आइए गीत सुनते हैं, सबसे पहला नगमा। Thank you.
कुछ गीतों की महफिल सज गई है। दो गीत मैंने गा लिए हैं, आइए तीसरा गीत आपके ही लोगों की ही फरमाइश पे पहले मैं लिख लेता हूं। इस बार लता जी के साथ किशोर कुमार है। लता जी और किशोरदा का गाया हुआ एक बेहतरीन डुएट फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से लिया है। गुलजार साहब ने लिखा ये गीत और गीत के बोल आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं। सजा
तो ये नगमा था, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, फिल्म में थे राजेश खन्ना और शबाना आजमी जी, गीत गाया था किशोरदा और लता जी ने, ये बेहतरीन दो गाना यानी डुएट, संगीत दिया था खयाम साहब ने और गीत लिखा था हमारे गुलजार साहब ने। आइए जीतू भाई ओडेद्रा जी, आपकी फरमाइश पे एक गीत, फिल्म नूरी का टाइटल सॉन्ग है। जब ये फिल्म आया था तब शायद मैं कॉलेज में ही था, ट्वेल्थ क्लियर करके सिर्फ कॉलेज में गया ही था, करीब 40 साल मिनिमम 42 साल पुराना ये गीत, आज भी इतना ताज़ा है। मुकेश जी के बाद नितिन मुकेश जी को लता जी के साथ गाने का मौका बहुत मिला, बहुत सारे क्रांति फिल्म में उन्होंने गाया, नूरी फिल्म में गाया। आज का सब्जेक्ट हमारा है खयाम साहब और लता मंगेशकर जी, तो इसलिए नूरी फिल्म से ये नगमा जीतू भाई ओडेद्रा आपकी फरमाइश पे। गीत लिखा था जान निसार अख्तर जी ने, जान निसार अख्तर जी का लिखा हुआ ये गीत, संगीत से संवारा था हमारे खयाम साहब ने, जिसका पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम है, लेकिन वो अपने वन वर्ड खयाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुए वो ही नाम से। ये जो फिल्म थी फारूक शेख के साथ पूनम ढिल्लों, बहुत ही हसीन चेहरा उन दिनों में बॉलीवुड ने दिया पूनम ढिल्लों जी, आज भी इतनी हसीन लगती है सीनियर सिटीजन होने के बावजूद। और ये नूरी पिक्चर उसका टाइटल रोल, नूरी का रोल उन्होंने किया था। तो आइए उस फिल्म से गीत सुनते हैं, लता जी के साथ अब की बार नितिन मुकेश जी, और ये गीत की फरमाइश की है हमारे जीतू भाई ओडेद्रा जी। आजा रे
की फरमाइश करने वाले जीतू भाई ओडेद्रा जी का एक भी मैसेज नहीं आया। इसका मतलब वो फरमाइश करके चले गए, क्या बात है। या हो आप जीतू भाई ओडेद्रा जी, आप हो अभी तो कृपया बताइए आपकी फरमाइश पे ये गीत गाया कैसा लगा। अगर जीतू भाई ओडेद्रा जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको ये गीत कैसा लगा। दोस्तों साथियों, नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल एवं फारूक शेख और सुप्रिया पाठक जी एक फिल्म में आए थे जिस फिल्म का नाम था शायद बाजार फिल्म था ये, तलत अजीज जो कि गजल के बादशाह है उसके साथ लता जी का गाया हुआ एक डुएट। खयाम साहब का संगीत तो है ही, ये जो गीत लिखा है मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ आपको, वो गीत के बोल है फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात है या बारात फूलों की। फिर चिड़ी रात बात फूलों की, या बारात फूलों की। तलत अजीज और लता जी का डुएट फिर चिड़ी रात बात फूलों की। गजल की एक खूबी होती है कहाँ पे सम आता है, सम ये जो ताल बज रहा है तबला बज रहा है वहाँ पे सम है, सम से मुझे ये गीत उठाना है, मैं भूल गया तो फिर से शुरू करते हैं। चिड़ी रात बात फूलों की,
जो लास्ट अंतरा था उसमें वो उसका नाम आता है। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। तो ये शब्द जो मखदूम शब्द आया वो शायर का नाम है, और गजल में जितने भी शेर होते हैं उसका अंतिम शेर जो होता है जिसको मख्ता कहते हैं, मख्ता, मख्ता गजल के लास्ट शेर को कहते हैं, तब उसको कहते हैं जबकि उस शेर में शायर का नाम आता हो। तो इस गजल के अंतिम शेर में शायर का नाम आया, इसलिए इस अंतिम शेर, गजल में 5-6 शेर होते हैं तो अंतिम शेर को मख्ता कहते हैं, और जब गजल गाते हैं वो लोग बोलते हैं मख्ता मुलायजा फरमाइए, मख्ता मुलायजा फरमाइए, क्या बात है। अब एक डुएट है, अरसाबेन आपने 8-10 गीतों की फरमाइश कर दी है, बहुत अच्छे अच्छे गीत की, तो आज की तो आप आज आपकी निकल पड़ी, आपके बहुत सारे फरमाइश पूरे होने वाले हैं। हजार राहें मुड़ के देखी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का और एक नगमा, एक नगमा हमने गाया, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। अब हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई वफा न आई, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये नगमा है, गुलजार साहब ने लिखा और खयाम जी ने संगीत से संवारा इस गीत को, किशोर कुमार और लता जी का गाया हुआ ये बेहतरीन डुएट। लेकिन ये डुएट में थोड़ा समझने जैसा भी आध्यात्मिक बात है, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ अनबन हो जाती है तो अनबन ज्यादा रहती है, वो रीजन क्या है इस गीत में बताया है। देखो मैं जो मुझे गीतों का शौक है तो कितने गीत गाए मैंने अब तक, आज 171वां दिन है, 171,
ठीक है 20 गीत गिन लो मल्टीप्लाई बाय हाँ तो 3000 से ज्यादा सॉन्ग में गा चुका हूँ तो लिरिसिस्ट यानी गीतकारों के कितने नजदीक में पहुंच गया हूँ। तो गीतकारों ने जो लिखा है वो थोड़ा समझ में आता है। इस गीत में जो हस्बैंड वाइफ के बीच अनबन होती है वो उसकी गहराई उसकी खाई ज़्यादा गहरी होती क्यों जाती है इसका रीज़न यहाँ बताया है। हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आए, उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते हमें ये उम्मीद के वो पुकारे। आमतौर हस्बैंड वाइफ में झगड़े का टाइम पीरियड ऑफ क्वारल पीरियड ऑफ चुक्की बढ़ती क्यों है, क्योंकि इसमें शेर है उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते हमें ये उम्मीद के वो पुकारे। अमने एम के तमें बोला उसो तमने एम के हमें बोला उसो एम आज अबोला 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 आओ गीत सुनते हैं फिर थोड़ी सी बेवफाई सही है। राजेश खन्ना और शबाना आजमी पर पिक्चर आई है। Right.
गीत के शुरुआत में ही मैंने कहा था, गुलजार साहब ने बहुत खूब लिखा है, उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद कि वो पुकारे। इमान झगड़ा नो समय वधी जाता हो जाए। एक और शेर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जब मियां बीबी के अंदर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं तब एक दूसरे को ये ही कहते हैं कि तुमने खबर जे हमें शू करिए, मेन के तने खबर जे हमें शू करिए, वुमन के तुमने खबर जे हमें शू करिए। कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। मेन अमाज है, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। तो फीमेल गाई से, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने भी गुजारी होती। के तुमने खबर जो हमें शू करिए, एक बीजा ना पूरक छे, बने ने समझावानु छे नहीं। झगड़ा नु कारण ये होई छे मोस्टली। आओ मुकेश जी का गीत, वैसे मैंने ये लता जी ने गीत गाया था फिल्म कभी कभी में, खयाम साहब का शो हो और कभी कभी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लता जी का गाया हुआ गीत कभी कभी मेरे दिल में, पूरा गीत लता जी ने गाया है। और सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, वहां से मुकेश जी ने गाया है। लेकिन ये पूरा गीत कभी कभी मेरे दिल में मैं लता जी के वॉइस में थोड़ा गाऊंगा। तो आओ सुनाता हूं मैं अपना गीत, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
जिसमें लता जी एक अकेली लता जी हो। बहुत ही पुराना एक गीत 1961 जिस साल में मेरा जन्म हुआ था उस साल की ये बात है। फिल्म का नाम शोला और सबनम। गीत लिखा था कैफी आजमी जी ने, संगीत दिया हयाम साहब ने और गीत के बोल जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। धर्मेंद्र और उसके साथ हीरोइन थी तरला मेहता। बंद हो गया इसलिए दोबारा। Thank you.
जैसे मैंने एक दो गीत पहले ही कहा, हर्षा बेन आपने 8-10 ही सहसे गीत की फरमाइश कर दी है, खयाम जी के 8-10 गीत, उनमें से मैं 6-7 गीत तो जरूर गाऊंगा आज, इसलिए आप कह सकती हो आपकी फरमाइश है। मीर तकी मीर साहब की एक गजल, फिर से एक बार सुनना, गीतकार का नाम, गजलकार का नाम मीर तकी मीर। फिल्म बाजार के लिए जिसमें नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल जी थे, फारूक शेख और सुप्रिया पाठक भी थे, मीर तकी मीर साहब की ये गजल, दिखाई दिए यूं के बेखुदी किया। दिखाई दिए नजर में सबों की खुद
एक बात शेयर करना चाहता हूं, मीर तकी मीर साहब की ये गजल दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। मैं तो पढ़ के गा रहा था लेकिन एक भी मुखड़ा या अंतरा या एक लाइन समझ में नहीं आई। इतना उर्दू भरा है इसमें, इतना परस्तिस किया तुझे, क्या बात है। बहुत ही फेमस गीत 1966 की फिल्म आखिरी खत से, जिसमें राजेश खन्ना फिल्म में थे। गीत के बोल, बहारों मेरा जीवन संवारो, बहारों मेरा जीवन भी संवारो, बहारों एक बात तो कबूल नहीं पड़ेगी कि ये जो खयाम साहब की आज की महफिल है ना, वो शांत चित्त वालों के लिए ही है। इसमें ना कहीं चढ़ाव है ना कहीं उतराव है, बस सब गीतों में ठहराव ही ठहराव है। आपके मन के तरंगों को ये खयाम साहब के गीत शांत कर देंगे, मेरा तो ये मानना है कि अगर मन विचलित हो तो हमें खयाम साहब के गीत सुनने चाहिए। क्या बात है, इतना शांत कर देता मन के तरंग, ऐसे ऐसे होते हैं तो मन के तरंग को शांत कर देता है खयाम साहब का म्यूजिक। ऐसा ही एक गीत फिर एक बार 1966 की फिल्म आखिरी खत, गीत लिखा कैफी आजमी जी ने और संगीत से संवारा आज के हमारे संगीतकार खयाम साहब ने। गीत के बोल, बहारो मेरा जीवन संवारो। Oh,
سلام عشق میری جان کلیان جی آنند جی جیسے تبلہ نہیں بجتے اس میں شانت ہے اس لیے لیکن کمپوزیشنز ایزی نہیں ہے کیا بات ہے کبھی کبھی پھر سے ایک اور نغمہ میرے گھر آئے ایک ننی پری میرے گھر آئے ایک ننی پری ایک ننہی پری ساحر رجوانی صاحب کے شبد خیام جی کا سنگیت اور لتا جی کا گایا فلم کبھی کبھی کا یہ گیت میرے گھر آئی
जी हाँ, तो ये गीत था फिल्म कभी कभी से, साहिल लुधियानवी जी के शब्द और लता जी का गाया ये गीत। आओ फिर से एक बार किशोर कुमार और लता जी का डुएट सुनते हैं। गीत के बोल है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। 1982 की फिल्म दिल ए नादान, ये फिल्म से लिया है ये गीत। गीतकार थे नक्श लियालपुरी और संगीत खयाम साहब का। आइए वो ड्यूएट सुनते हैं। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। इसके बाद का एक जो गीत है मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, इसलिए इस दौरान मैं आपसे थोड़ी बात कर लूँ तब तक कि वो गीत डाउनलोड हो जाए। ये जो मैंने यात्रा शुरू की है, 9 दिन 9 संगीतकार और लता जी के गाए हुए गीत, करीब 15 से 20 गीत में गाऊंगा। आज कुछ गीत कम होंगे क्योंकि खयाम साहब के गीत इतने इजी नहीं है गाना, इसलिए जो कुछ तैयार थे मेरे पास वही गीत मैंने आज गाए हैं, जो कुछ सुने थे तैयार थे वही गीत। और दूसरी एक बात कि आज तीसरा दिन है और लता जी महोत्सव, लता महोत्सव वीक सेलिब्रेट करते हुए मुझे आज तीसरा दिन हो गया। पहले दिन हमने खयाम, पहले दिन सलील चौधरी जी के 20 गीत गाए, दूसरे दिन कल हमने गाए SD बर्मन साहब के गीत, यस, और आज तीसरा दिन है और आज हमने गा रहे हैं खयाम साहब के गीत। तो आइए वो मेरा एक गीत डाउनलोड रख, इसके बाद का गीत जो डाउनलोड करने रखा था वो हो गया है। बहुत ही बेहतरीन नगमा है, रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ। अब मैं जो आपको गीत सुनाने जा रहा हूँ वो 1982 की फिल्म दिले नादान से ये गीत लिया है। यस, आई थिंक जग्गूभाई जोगिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम जग्गूभाई। आपका स्वागत है जग्गूभाई। खयाम साहब के लता मंगेशकर की कोई गीत की फरमाइश हो तो आप जरूर बताइए। आज का सब्जेक्ट लिमिटेड है खयाम साहब और लता जी। तो 1982 से दिले नादान फिल्म का ये दो गाना किशोरदा और लता जी का गाया हुआ, गीत लिखा था नक्श लियालपुरी जी ने और संगीत से संवारा था खयाम साहब। Thank you.
कठिन है, ये मेरा अनुभव रहा है। आज की शाम का आखिरी गीत बहुत ही बढ़िया रफी साहब और लता जी का गाया हुआ डुएट। देखो, मैंने जब खयाम साहब के गीतों की सूची तैयार करना शुरू की तो सबसे पहले तो मैं रफी साहब ही लिखूंगा कि खयाम साहब, रफी साहब और लता जी, खयाम साहब, रफी साहब और लता जी, गीत ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन चंबल की कसम, डाकुओं की कहानी वाला एक फिल्म था चंबल की कसम, उसमें खयाम साहब का म्यूजिक और साहिर लुधियानवी जी के शब्द, जिसमें राजकुमार और पे, तो देखिए कितनी और पे लगी होगी आपको नाम सुनते ही। राजकुमार के साथ थी मौसमी चटर्जी और गीत इतना बढ़िया, क्या बात है। सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना गुजर जाए, क्या बात है। आओ वो गीत सुनते हैं। मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ गीत ही नहीं था, ये आपको बता दूं कि आज ये सिमटी हुई ये घड़ियां जो ट्रैक है वो परचेस किया हुआ है पहली बार, क्योंकि कहीं पर नहीं था तो नेट वाले से ये ट्रैक मैंने परचेस किया है। आओ सुनते हैं गीत, सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाए। बहुत ही रोमांटिज्म है इस गीत के अंदर, आप वीडियो देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा। आज के जो सात लोग हैं जिन्होंने भी ये शेयर किया है, सात लोगों ने शेयर किया है ऐसा रिपोर्ट दिखा रहा है, उन सातों मेरे फेसबुक भाई बहन का मैं नतमस्तक शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन अभी जिन्होंने नहीं किया है शेयर, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर कीजिए। शेयर करने में क्या जाता है, अभी तक नहीं शेयर किया है तो नो प्रॉब्लम, इस गीत के बाद जब कार्यक्रम खत्म हो तब आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और गीत सुनते हैं, सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से ना बिखर जाए। Yeah.
एक्सक्यूज हो रहा था तो मैंने उसे बोला नो प्रॉब्लम, वो वहाँ से सुन भी लिया उसने कि आज की शाम का आखिरी गीत, और वो आ गया तो वो जा रहा था तो मैंने उसे रोक लिया है। आप सब भी रुके रहना, दीवाना नवयुक्त सा नहीं, आपको मालूम है वो गीत ना हम देश गाय बच्चे नीचे बिटा है दीवाना नवयुक्त सा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है नाना मेरा और मैं पीछे पीछे आगे है नाना मेरा लू ले पास वाला जितनी बार लू से इतनी बार करीस हना लू जो आई गयो के मां हम आवी गयो ने आवी जाई ने गीत आवी गयो आलो આમાં ક્યાં વાગે છે આપણે વાગે તો આવી ગયું હોય ને ચાલો 1 2 3 Thank you.
बस आज बस इतना ही इतना ही कल फिर शाम शाम 7:30 बजे हम फिर मिलेंगे कल के संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी और गीत होंगे लता जी के तो आओ कल तक के लिए अलविदा चाहते हैं बाय बाय गुड नाइट सी यू स्वीट ड्रीम्स शब्बा खैर स्टे होम स्टे सेफ बंद करो तारे अगर की बंद कर दिया।